ऑल सेट गोइंग फॉर गांव। हम सब गांव के लिए गाड़ी में तैयार होकर बैठ गए हैं। पीहू इज हेयर विद माय पिलो एंड बाबू इज हेयर विद ढिल्लो। तो अभी वी ऑल आर रेडी टू गो, चलते हैं। तो यहाँ पे वार्तालाप के बीच में हम सब चल रहे हैं और मेरा पल्लू हमेशा ही उल्टा रहता है। तो बीच में मैंने अपने सास जी को टोका कि हाई करो, सबको हाई कराती हूँ, तो ये समझ नहीं पाई और इन्होंने मुझे आशीर्वाद देने की मुद्रा के लिए सो स्वीट ऑफर। और बढ़िया से हम सब जा रहे थे और भैया गांव की डगरिया तो ऊंची नीची होती ही होती है। और पीहू सोने की एक्टिंग कर रही है, सिर्फ वो सो नहीं रही है, सिर्फ एक्टिंग कर रही है। तो अब ऊंची नीची है डगरिया गांव की और हम सब गांव की तरफ धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पे प्रपंच हो रहा है पट्टीदारों का। गाँव ये है मेरी कोठरी, यहाँ पे कमरे को कोठरी कहा जाता है। तो एक कोठरी मेरे नाम से है जहाँ पे एक आपको तख्त मिलेगी, एक चेयर पड़ी हुई है, एक बक्सा है, एक बक्सा मेरा रखा हुआ है, एक की मेरी अलमीरा है जो गुंडा में थी, बाद में यहाँ आई है मेरी दहेज की, उसको चाची ने कपड़े से ढक रखा है, काइंड ऑफ ये अलमीरा मिल रखी है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा रूम मुझे यहाँ मिल रखा है। बाकी अभी आए हम लोग, चाय पिया, फटाफट फिर सब्जी कटवाई। मेरी जिठानी जी मतलब इन मामले में बहुत तेज है, उन्होंने चौका संभाल ली, मैं थोड़ा सा ठीक है, जब उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आती जो मेरी है तो मैं थोड़ा सा पीछे ही रहती हूँ। मैं पीछे ही हूँ अभी भी, फ्रेश फ्रूट वूट काट के दे सबको खाने के लिए। थोड़ा सा मैंने भी मारा, मैंने कहा मैं बता दूँ आप लोग को कि मैं फाइनली पहुँच गई हूँ, क्योंकि अभी बाहर मोबाइल लेके बैठा ना तो सबका ऐसे पारा गर्म हो जाता है कि हाई दिक्कत है, कैसे करो तरी। बट मिलवाऊँगी मैं अपने घर के सारे सदस्यों से मिलवाऊँगी, ठीक है। मैंने अपने लिए एक कप चाय बनाई अपने अकॉर्डिंग वाली और चिप्स वगैरह लेकर आई थी, गुड। तो अब एक कप चाय पीऊँगी, सबसे पहले दूध तो यहाँ पे अच्छा होता है, पर चाय पत्ती भी अच्छी होती है। नमकीन है का हो? चिप्स ना यार, नमकीन हम दियो, मैं मांग रही मुझसे कहे चिप्स नहीं नमकीन। अब यहाँ पे सारी साड़ियाँ जो भी राहुल ने सबके लिए कीनी थी मतलब ख़रीदी थी, अम्मा सबको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। और अब मेरी मम्मी पीछे में बोलने लगती है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, कह रही कौन कौन सी साड़ी ली थी। तो सब साड़ियाँ वगड़ियाँ सबको बांटी जा रही है यहाँ पे। मम्मी कहाँ से 150 रुपए बैग खरीद रहे हैं? बोरो के नाम से अब ये थी कोई ले ले चलो कहीं देख के ले ले बनी है। अरे चलो मोम लगा के हो जाए। हाँ तो लगा है मोम लगा के हो जाए तो नहीं चैन सही हो जाए। अबे मशीन के तेल लगवा दी। और कुल तो वही है ना, एक दर्द की गोली खाई। काहे काहे दर्द की गोली खाबो? एक गुड़वा खाती हूं। खा लो गवा में तो राई। हां खा लो। ये घर पे दर्शन करिए हमारी माता रानी के। ये यहाँ पे लक्ष्मी कुबेर गणेश जी हनुमान जी बहुत सारे भगवान जी हैं। ये छोटा सा काइंड ऑफ मंदिर है। हाँ बेटा मुझे पार्लर वाला कौन सा काम आएगा? मतलब फेस के कुछ काम। तुम्हें क्या कराना है ये बताओ? हमारे पास दिल के छाछे पड़ा है, एक तो है फेस पैक, हाँ एक स्क्रब। तो लगा लो। यूज करना नहीं आता है ना मुझे। तुम स्क्रब लगाओगे तुम्हारी दाढ़ी के बाल निकल आएंगे। ये वो जो ये है ना तुम उसको लगाओगे ना तो दाढ़ी के बाल निकल आएंगे। प्रेस कहाँ रखा है? अच्छा ओके लेट मैं आज तो चाची में पूछ लूंगी, रहने दो रहने दो बाद में कर लूंगी चाची। अरे मेरे लड़के मुंह के काम करेगा तू का मुंह के। दीदी के साड़ी कपड़ा दही ले ला का। तो लिए तो छोटू भैया भी नहीं है, लिए तो छोटू भैया भी नहीं है।
चाची। अरे यार छोटू भैया की बात दूसरा। जीजा के लिए, जीजा के लिए, जीजा के लिए ना, वो वाला ना है। हाँ। हम लिए ना, तो हम खरीदेंगे। इट्स ऑल अप टू योर विश, ऑल अप टू योर विश। चाचू आपसे बड़े। एक तो मेरे हस्बैंड की सबसे बुरी चीज है वो इतना पैनिक करते हैं और मुझे भी परेशान करते हैं, कपड़े दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जींस नहीं रखा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। एनीवे जब अभी मैं जब से आ चुकी हूँ यहाँ पे गांव पे, चार बार मैंने बैग खोला, अंडरवेयर दे दो, टॉवल दे दो, अब ये बहन गीली होगी दूसरी बहन निकाल दो, ये शर्ट नहीं पहननी, वो पैंट नहीं पहननी। अरे यार बाकी अगर मैं बाहर काम नहीं करूँगी तो लोगों को लगेगा कि देखो घर में घुसी हुई, और घर में क्या पता कि मेरे पति मुझे नहीं छोड़ता है, और उनकी यही है बेटा। और पीछे से आप सुन ही रहोगे कि मतलब मेरी आवाज़ कितनी धीमी निकली, क्योंकि गांव में इतना वो पसंद नहीं है यार कि ब्लॉगिंग बना रही, वो बना रही, उनका खाना बनाओ बस, दैट इज़ मोर देन इनफ। ब्लॉग करने की जरूरत नहीं है, वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, बट आई एम लाइक दैट, ये करना तो चाहिए ही चाहिए। पेट अभी तक साफ नहीं हुआ है, वो चेहरा कैसे सूज गया है देख रहे हो। अच्छा गाँव की एक सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है ना कि यहाँ पे हर कोई काम में लगा हुआ है, हर कोई काम में लगा हुआ है सिवाय मेरे। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, मैं भी काम करती हूँ, मैं काम करने के अलावा वीडियोस भी बनाती रहती हूँ, बट मैं काम करती हूँ, ऐसा नहीं है ससुराल में बैठ के खाने को किसी को नहीं मिलेगा, बट एवरीबडी इज बिजी, कोई बर्तन धुल रहा है, कोई सलाद काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेट मी शो यू दैट। कैसे बैठे थे आज? हम तो मिले ही नहीं जाए थे अब तो। हा? मैं तो जा ही रही हूँ दीदी के घर आज 26 तारीख को ना। मानस कर ले रहा हम के तेज बतौली तो हम जानता नहीं अभी तुर बाप अपने कौन जाना। काटो तो अब सब यहाँ वहाँ की बातें करने में लगे हुए हैं, मेरी सास अलग लेटी हुई है, जिठानी चाची लोग के साथ में बैठी बात कर रही हूँ, और मेरे पास तो इतने टॉपिक्स भी नहीं होते हैं और ना ही मुझे इतना ज़्यादा उनकी कन्वर्सेशन में समझ में आता है, तो मैं चुपके से आ करके एक चद्दर लेकर के अपने कमरे में, अपनी कोठरी में आकर के लेट गई हूँ, कि जब दो ये लोग बातें कर रहे हैं मैं एक नींद मान लूँ। यार 15 मिनट की ना एक पावर नैप बहुत ज़रूरी है, खास करके तब जब सुबह आप जल्दी उठ के। मैं सोती हूँ फिर गुजिया वजह बनवानी है, बनवाऊँगी। मेरी मम्मी फ़ोन कर रही है, क्या कर रही हो? अरे मैं कह रही मम्मी मैं गांव में हूँ, रहने दो, फिर बाद में वीडियो देखे मम्मी बोलेंगे कि रिकॉर्डिंग करने का टाइम रहता था, माँ से बात करने का टाइम नहीं रहता। मम्मी इज़ बीना सबका है ना। अब उसको बंद करो तो बताए देखें कैसे बनाएंगे। एक मिनट का ट्रेंड कह देते हैं बहुत कुछ करने को। 2 बजे से हमसे बैठे हुए जिया बनाने के लिए, और अभी बज रहे 7। नाना करते हुए भी गुजिया नमक पारा बना, मतलब ठीक है, काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ चीज़ें नहीं बनी जितनी मैं बनाती थी यूजुअली, बट फिर भी आई थिंक बड़ा परिवार है, बीच में चाय बन रही, कभी कुछ हो रहा है, वहीं बात कर रहे हैं, होते होते चीज़ें हो रही थी, हो गए। और जैसी भी कंडीशन है आई डोंट थिंक सो कि आई वुड बी एबल टू मेक ब्लॉग्स। लोग गुस्सा करते हैं, मैं जैसे पहले बताया है यहाँ पे, दे डोंट लाइक इट कि देखो फ़ोन लेके घूम रही हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड अप करते हैं, अगर कुछ टाइम मिलेगा तो धीरे धीरे कुछ शायद गांव के इकट्ठा करूँगी, जिसकी एक इकट्ठे वीडियो लेकर के आऊँगी, और हाँ कोशिश करूँगी घर वालों से मिलवाऊँ भी। टिल देन बाय बाय, राधे राधे, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।